नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचे आपके शहर की हर खबर आप तक। राजनीति की आड़ में नेता अक्सर बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, जिसके कारण बाद में उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ कपिल मिश्रा के साथ। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मई 2017 में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके पलटवार में सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। जब कपिल मिश्रा द्वारा माफी मांग ली गई, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने राउत की वेन्यू में दायर मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया और दोनों ही पार्टी के आपसी समझौते के साथ इस केस को खत्म किया गया। कपिल मिश्रा कभी आप पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिन्हें विधानसभा के पिछले कार्यकाल में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। आपको बता दें कि इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी मानहानि के केस से बचने के लिए अरुण जेटली से माफी मांग चुके हैं। जब कपिल मिश्रा जी को अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल से निकाला गया, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने बहुत ही भद्दे और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे और कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को 2 करोड़ रुपए दिए हैं और कपिल मिश्रा ने उसके सामने देते हुए देखा है। इतने आपत्तिजनक आरोप थे, इतने घिनौने आरोप थे, जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हुआ। और जब उससे हमारी पार्टी के लोगों ने पूछा कि भाई आप बताइए किस टाइम गए थे, कब गए थे, तो ऐसे भी केस हुए कि वो बेहोश तो हुए परंतु उन्हें बताया कुछ नहीं, क्योंकि कभी गए ही नहीं थे। इसलिए मैंने कपिल मिश्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में किया सजा दिलाने के लिए। कल कपिल मिश्रा ने लिखित में कोर्ट के सामने माफ़ी मांगी, जब उनको लगा कि वो प्रूव करने की बारी आ रही है, क्योंकि केस बिल्कुल झूठा था, तो उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी और कहा कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेट थे, जो उन्होंने आरोप लगाए थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, झूठे थे, गलत थे। और उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर में ऐसे आरोप फिर नहीं लगाएंगे। इसी को लेके आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि सत्य की जीत होती है, कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन से बिना किसी शर्त माफी मांग ली, जिससे साबित होता है कि ये सब आरोप राजनीति से प्रेरित थे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दस्तक। धन्यवाद।